नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। आज मंडे है। मेरी बस अभी तक आए नहीं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे बेटे ने आज शुरुआत कर दी है, तो चलिए मैं घर चलती हूँ। और आ गई हूँ घर। यहाँ मैंने सारी सब्जियों को ले लिया है। आज मैं मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ। ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, इसलिए जल्दी में मिक्स सब्जी बनाऊंगी और ज़्यादा मसाला भी नहीं ऐड करूंगी। सारी सब्जियों को मैं बारीक बारीक काट लूंगी और काटने के बाद उनको इकट्ठे धो लूंगी गमले में। यहाँ पे मैंने अदरक और जीरा को एक साथ पेस्ट कर लिया है। सब्जी जब आधी पक जाएगी तो इसमें मैं मसाला डाल दूंगी और उसके बाद घी भी डाल दूंगी। घी डालने के बाद आप चाहे तो जब सब्जी पूरी गल जाए तो ऊपर से चीनी और लास्ट में पकने के बाद आप उस पर धनिया डाल सकते हैं। अच्छी लगती है रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। आज मैं लंच भी एक साथ ही बना लूँगी। और मैंने ले लिए फिश। उस दिन मैंने मार्केट से फिश लिया था और यहाँ मैंने आलू और गोभी को फ्राई कर लिया। उसके बाद फिश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिश को अच्छे से उलट पलट कर फ्राई करना है ताकि अच्छा ना रहे, और अच्छे से फ्राई करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। फिश अच्छे से फ्राई होने हो जाने के बाद हम उसी तेल में जीरा और सूखी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। जब वो फ्राई हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद हम उसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो प्याज को डालने के बाद तुरंत नमक डाल सकते हैं, तो प्याज अच्छे से गलता है। पर इसमें मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज को थोड़ा कड़क भी रखना है। प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी और प्याज भूनने के बाद देखिए वो हल्का सुनहरा कलर का होने लग गया है। अब इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, फिर हम इसको थोड़ा चला लेंगे। इसके बाद अब अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं। फिर हम इसको अच्छे से चला लेंगे और प्याज को थोड़ा और कलरफुल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए प्याज कितना अच्छा हो गया कलर, बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर का दिख रहा है। अब हम इस प्याज को उतारेंगे नहीं, कढ़ाई में ही रखेंगे। और बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है और अभी जो मैंने वो मसाला बनाया है, जीरा अदरक मिर्ची और धनिया और थोड़ा सा काजू भी मैंने ऐड किया है इसमें, उस मसाले को डाल दिया है। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे सूखने लगा है और पानी सूखने के बाद ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा। देखिए कलर कितना हो गया है, डार्क ब्राउन सा हो रहा है। अभी हम इनमें जो पहले फ्राई किए हुए आलू और गोभी थे उनको डाल देंगे।
अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले के साथ आलू और गोभी पूरी मिक्स हो जानी चाहिए, मतलब मसाला आलू और गोभी के अंदर पूरा चला जाएगा। आप चाहे तो इसमें अभी थोड़ा हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं और उसको थोड़ा ड्राई कर लीजिए, फिर पानी डाल के तो मसाला बहुत ही अच्छे से उसके अंदर घुस जाता है सब्जी में। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, अभी इसको उबलने के लिए देंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद ही आप फिश को डालिए, नहीं तो आपकी फिश टूट भी सकती है, इसलिए मैंने उबलने के बाद ही फिश को डाला। करके देखिए एक बार और अच्छा लगता है खाने में। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके शेयर और कमेंट और लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी अगला वीडियो और इम्प्रूव करने के लिए। सारे फिशेस को मैंने डाल दिया है इसमें, अभी इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तैयार हो गया हमारा लंच राइस, इसको मैंने फ्राई रखा है, ये आलू और गोभी और ये भी वो सब्जी और जो फिश की ग्रेवी बनाई है वो हो गया हमारा लंच। अब मैं जा रही हूँ बाहर, फिर आके मिलती हूँ। मुझे आते आते लेट हो गई है, अभी रात हो गई है। ये बाप बेटे दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, इनका तो चलता रहेगा, पूरा बेड मेरा मिस ही हो रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, तो आज मैं अलविदा लेती हूँ।